अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल आ। उम्मीद आ कि तुसी सब खैरियत नाल होंगे। दोस्तों अजकल पंजाब दे नाल नाल दूसरे शहरां दे विच वी यूथ दे वधदे होए मसाइल काबले गौर आ। यूथ अजकल दो तरह दे मसाइल दी शिकार आ। सब तो पहले घट तलीम ते लाशोरी दी वजह तो साडी बहुत सारी यूथ पंजाबी गाने ते मूवी तो इंप्रैस हो के फिर उदां दे रंग रूप दे विच ढलण दी नाकाम कोशिश करदी आ। इह ओह तबका वा जो कि असल दे विच गुलामी वाली ज़हनियत तो मजबूर आ। लोग इत्थे इन्ने दिमागी तौर ते कमजोर हो चुके आ कि वह किसी की अपनाई हुई चीज़ नूं अपने लिए मुंतखिब कर लैंदे आ। जिदा कि अजकल हेयर स्टाइल किसी फेमस एक्टर का कॉपी करना लोग इनू अपने लिए फखर समझते आ। तो इहदे विच इन्हां दा कसूर नहीं हुंदा, कुछ वालदियां दी भी लापरवाही हुंदी आ जो कि अपने बच्चियां नूं उन्हां दी मर्जी दे मुताबक कुछ करन दा सबक नहीं दिंदे। जिहदी बुनियादी वजह यह आ कि रोज़मर्रा दीआं जरूरतां नूं पूरा करन लई वालदैन अपनी जिंदगी दे विच इन्ने क मसरूफ होए हुंदे आ कि उन्हां नूं पता नहीं चलता कि उन्हां दी औलाद की तरबीयत किस तरीके नाल हो रही है। तो कुछ वालदैन अपने बच्चियां नूं पढ़ाई दे नाल दूसरे कामां दे विच भी इन्ना प्रैशराइज करदे आ कि उन्हां दे बच्चे का टैलेंट खो जाता वा, तो बच्चा फिर वालदैन के दसे हुए रस्ते ते तुर पैंदा। बच्चे को एक ही ऑप्शन बचता कि वह किसी दूसरे के बनाए हुए रूल्स नूं कापी करता वा तो अपना कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल दे विच इह एक गुलामाना नजरिया वा। तो दूसरी लाइन उन्होंने बच्चों की आ जे बचपन तो ही जिम्मेदार होंगे तो उन्होंने वालदैन उन्होंने नाल पूरा टाइम गुजारते हैं तो उन्होंने दुनिया की हकीकत को भी जाहिर करते हैं। उन्होंने दसते हैं कि किस तरह मुश्किल को हल करना वा, तो अगर कोई मुश्किल टाइम आए तो हौसला नहीं छड़ना। तो ये वो बच्चे होंगे जिन्हें अपना कॉलेज तो यूनिवर्सिटी दौर के एडिशनल वर्क करते हैं तो अपनी लाइफ के जल्दी सैटल हो जाते हैं तो फिर माँ बाप के नाल अपना अच्छा टाइम गुजारते हैं। ये बच्चे दूसरों की निस्बत सोच समझ फैसला करन दे विच मैच्योर होंगे। दोस्तों ये गल करन दा मकसद सिर्फ इन्ना वा कि आपां अपने बच्चों को कुछ एक्सट्रा टाइम देईए ताकि अपनी आने वाली नसल चंगे फैसले ते चंगे शहरी बनने के काबिल होण, क्योंकि अज के जदीद दौर दे विच उही मुलक अगे आ जिहदी आवाम मैच्योर ते हैल्पफुल आ। अस्सलाम वालेकुम सज्जनो ते मित्रो, भैणो ते भरावो, छोटे ते वड्डे, वेले ते कम्म आ तुहाडा अपना वीर चौधरी ब्रांड। अगर तुसी बिस्तर ते सुकून दी नींद सुते रहोगे, अगर तुसी जिद्दोजहद नहीं करोगे, अगर तुसी आप सुकून दे विच रहोगे, ये याद रखियो कि जिंदगी उन्नी ही मुश्किल हो जाऊगी। अज फैसला कर लो, तुसी सुबह जल्दी उठोगे, काम ते जाओगे, चौकस रहोगे, दौड़ लाओगे, कुछ पाने लई जिद्दोजहद करोगे, अपने आप नूं इक ब्रांड बनाने लई जिद्दोजहद करोगे, फिर एक टाइम आएगा तुहाडी मुश्किल तुहानूं सुकून विचों कढ के बेसकूनी दे विच मेहनत करन दा आदी बना दूगी। जिस दिन तुसी बेसकूनी दे विच मेहनत करन दे आदी बन जाओगे, ये जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाऊगी। फिर एक टाइम इदां आऊगा तुहानूं काम करन दे विच, मेहनत करन दे विच, हर टाइम जिद्दोजहद करन दे विच खुशी ते आराम महसूस होगा। अपने इर्द गिर्द नजर घुमाओ, हर कामयाब इंसान तुहानूं इक दिन मुश्तरक नजर आऊगा। वह कदर लगातार मेहनत, लगातार जिद्दोजहद, लगातार कोशिश दे विच मगर रहना वा। अज तुसी अपने इर्द गिर्द हर उस हड हराम नूं देखो जिहड़ा हर टाइम जमाने नूं, मुल्क नूं, सियासत नूं ते हालात नूं कोस रहा हुंदा, आपिया मंजी ते हुंदा वा, ना कोशिश कर रहा हुंदा वा, ना जिद्दोजहद कर रहा हुंदा। यह याद रखियो, अगर तुसी रोटी खानी आ बुरकी तोड़न लई हाथ रोटी दे कोल जाना पऊगा। अगर तुसी चाहुंदे आ जिंदगी दे विच तरक्की करिए, जिंदगी दे विच कुछ बणीए ते अपने आप नूं बेसकूनी दे विच रहण दे आदी बना लो, मुश्किल जिंदगी गुजारन दा आदी बना लो। अगर अज तुसी मुश्किल जिंदगी गुजारन दे आदी बन जाओगे, यह जिंदगी आसान नहीं बल्कि तुसी कामयाब इंसान कहलाओगे। मेरी नज़र दे विच नहीं, हर उस इंसान की नज़र दे विच कामयाब वह हुंदा जिहड़ा मेहनत करदा। यह मेहनत वह हुंदी आ जिहड़ी लगातार मेहनत होवे, लगातार जिद्दोजहद होवे, लगातार कोशिश होवे। इहदे वास्ते तुहानूं बिस्तर छड्डना पैणा, दौड़ लाउणी पैणी आ, इस तो उस पार, उस तो उस पार ते लगातार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुहाडा अपना वीर मोहसिन जट तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर आ। सियाणे कहिंदे घरों खवा के मत नहीं दित्ती जांदी। आ इलैक्शन जिहड़े आ इह दुबारा होणे आ, वोट पाउण लगे अपने माड़े चंगे दी सियाण करियो, बाकी मैं तुहानूं चेता करवाउंदा रहूंगा। आ दरिया दा पाणी चढ़िया, फसलां जिहड़ियां सारियां तबाह, मकान ते बंदे दा नुकसान वखरा वा, पर इत्थे पुछण दसण वाला कोई नहीं। आ मिठा पाणी जिहड़ा समुंदर दे विच जा के जाया होई जा रिहा, यह तो चलो तुसीं नहीं पहुंच सकते, बिजली का कोई खाता सीधा कर दिओ। आ धुप जिहड़ी है किसे हद नहीं आउंदी, गर्मी इन्नी आ वी लूहे जा रहे हैं। सोलर पैनल ला दिओ, बजट दे विच ऐलान तां करदे आ पर लाउंदे नहीं, उह सिर्फ गल्लां तक ही आ। इह तां उह हिसाब आ वी जिद्दां कोई बंदा दरिया दे किनारे बैठा ते उत्थे पाणी नीवां ते हुक्का पी जावे, कोई स्कूटर वाला आया ते कहण लगा भाई पाणी नीवां वा, स्कूटर लंघ जाऊगा। उह कहिंदा हां जी लंघ जाऊगा। उह टप्पण लगा ते स्कूटर डिग्गा, पाणी डूंघा सी ते उह डुब गया, मसां ही आप निकलिया ते स्कूटर रुड़ गया। तो भाई को गया, भाई को जाके कहन लगा कि तू तो कहता पानी नीवा, स्कूटर लंघ जाऊगा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਕਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 1 4 5 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ।